एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें। इन तस्वीरों में जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये वह अभागी महिला है जिसको दहेज के लालची ससुराल वालों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। 6 दिन अस्पताल में दाखिल रहने के बाद 7वें दिन महिला की मौत हो गई, जिससे कि महिला के ससुराल वाले उसे मारने में सफल रहे। इस वीडियो में महिला 5 से 6 आरोपियों के नाम ले रही है, मगर सेवा, सुरक्षा और सहायता के लिए वचनबद्ध हरियाणा पुलिस ने पीड़ित परिवार की सहायता करने की बजाय उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया और पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन जब पीड़ित परिवार ने 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति यानी कि कुल 1,20,000 रुपए की मांग की। इसके बाद मृतका के मुंह बोले भाई बालकिशन ने मजबूरन जांच अधिकारी सौरभ खान को रुपए देने को हां कर दी और जांच अधिकारी सौरभ खान को 10,000 रुपए दे भी दिए, मगर मृतका के मुंह बोले भाई ने रिश्वत लेते अधिकारी का वीडियो भी बना लिया। इस वीडियो में जांच अधिकारी रिश्वत लेते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। तो हमने जब उनसे बोला जी अन्य मुलजिमों पर आपने मुकदमे दर्ज क्यों नहीं किए, उन्होंने बोला जी अन्य मुलजिमों पर 1,20,000 रुपए मुझे दोगे जब मुकदमे दर्ज होंगे, अन्यथा इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम उसके रोए जी के गिड़गिड़ाए जी, गरीब आदमी है ये, हमारे भी पड़ोसी भाई हैं, हमारी बहन है, उसे जला दिया गया, आप पैसे मांग रहे हो, बोले बगैर पैसे के कुछ नहीं होगा। तो हम जैसे तैसे करके जी पैसे का इंतजाम करके लाए, 17/4/19 को उसे पैसे दिए। तो उस दिन एक जयंती के कारण बैंक की तो छुट्टी थी, लेकिन हमने उसके उसकी प्रताड़ना को देखते हुए इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए और उसे 9,000 रुपये दिए। 9,000 रुपये करीब 10:30 बजे 17 तारीख को जब हमने दिए, तो वो हमें गाड़ी में बिठाकर बाहर ले आया और बोला इन 9,000 रुपयों से कुछ नहीं होगा, आप और पैसे का इंतजाम करो। जैसे ही हमने और भाइयों को ये सब बताया, तो उन्होंने और पैसे हमें इधर उधर से इकट्ठा कराए, 10,000 रुपये हमने और उस भाई को दिए। लेकिन उसने पैसे लेते वक्त भी ये कहा कि अभी और पैसे का इंतजाम करो, 1,00,000 रुपये बाकी है, जब कार्रवाई होगी जब आप हमें पैसे दोगे। बस और सर दिया।